हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डागर फैमिली में। आज आ गए हैं हम नए व्लॉग में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, दिवाली आने वाली है और दिवाली की सफाई जो है वो चारों तरफ चल रही होगी। और मैं सुबह से थक गई हूँ बिल्कुल बुरी तरह। सुबह सुबह स्कूल और फिर 1:30 बजे स्कूल से आकर फिर घर की सफाई। कल तो मैंने कर दिया था अंदर वाला कमरा, उसको काफ़ी अलग अलग तरीके से कर दिया है मैंने। अभी डेकोरेट कुछ नहीं किया है, बस साफ साफ किया है। और गंदगी पता नहीं घर में कहाँ से निकल रही है, इतना कूड़ा कहाँ से निकल रहा है कि कल भी पूरा पूरा डस्टबिन भर गया था, आज फिर डस्टबिन पूरा पूरा भर गया। तो आज कर रही हूँ मैं किचन को। किचन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किचन में सबसे ज़्यादा टाइम। और आज तो 1:30 बजे से मैं किचन में ही लगी हुई हूँ। किचन में सारा सामान लगाना, कबाड़ा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दिखाती हूँ मैंने क्या किया। दोस्तों देखो, मैं डेली हमेशा ना हर दिवाली भी सोचती हूँ इस रैक को ना पेंट करूँगी, पर कभी हो नहीं पाता। देखो अब की बार मैंने ना ये डिब्बे, ये अलग अलग साइज़ के हैं डिब्बों में मैंने सामान लगा दिया। देखो यह इधर मैंने रिफाइंड वगैरह सरसों के तेल वगैरह रखे हैं। इन ताजकों में मैं सिर्फ राजमा और छोले रखती हूँ। और ऊपर मैंने बड़े बड़े जो कभी कभी काम पड़ता है वो सामान रख दिया है। यहाँ पर देखो अभी नीचे की सफाई हुई ही नहीं है, अभी तो पूरी सफाई हुई नहीं है, अभी तो चल रहा है काम। देखो सारा सामान जो है ना वो फैला पड़ा है अभी। और ये देखो मैं कर रही हूँ टाइलें साफ। ये देखो कितनी गंदी गंदी हो रखी है। देखो आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। देखो ये ऊपर से मैंने साफ़ करी है, अभी मैंने पूरा क्लीन नहीं किया नीचे से, अभी मैं करने लग रही हूँ। और गैस का देखो कितना पूरा हाल हो चुका है और ये पूरा का पूरा लग रखा है। देखो और ये देखो कूड़ा कूड़ा पूरा का पूरा भर गया है। वो पेटी मैंने पुराने प्लास्टिक के डिब्बों से भर दी है, मशीन वोशन मिक्सी मैंने निकाल दी है। अभी तो पूरा काम नहीं हुआ है, अभी मैं लगती हूँ सफाई करने। तो सबसे पहले तो मैं ये जो बर्तन है ना, ये सारे से बाहर रख के आती हूँ, अपनी ये करूँगी क्लीन। सबसे पहले तो ये गीले कपड़े से ना मैं इसको गीला कर दूँगी। और फिर ये जो स्क्रॉच पैड है ना इस पर विम लगा के अच्छा और मैं रख दूँगी। और गैस को उठा के मैं थोड़ी देर के लिए नीचे रख के फिर ये साफ करूँगी। तो देखा दोस्तों कितनी ज़्यादा गंदगी इसके नीचे से निकली है। सबसे पहले ये साफ करके फिर ये पूरा का पूरा साफ करूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। देखो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा ना खाली कर दिया है, और एक बार तो मैंने इसमें झाड़ू लगा दी है। और ये देखो अभी लग रही हूँ मैं, अंदर नज़र आ रहा होगा जहाँ से साफ होती दिख रही है। और ये नीचे का तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अभी एक बार पूरी स्लैब को गीला करके फिर करूँगी। तो ये देखो दोस्तों पूरी जो दीवार है देखो कितनी साफ हो चुकी है, पर अभी ये रह रहा है गंदा। अब इसको रगड़ना रह गया, और रगड़ती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखो पूरी जो है ना ये स्लैब भी
ये दीवार भी और ये देखो स्लैब पहले कैसी थी, अब देखो बिल्कुल साफ हो चुकी है और अब रह गई है मेरी गैस। अब बस इसको और साफ करके बस कूड़ा फेंक के और बाकी काम करेंगे हम कल। तो दोस्तों देखो गैस का कितना बुरा हाल हो चुका है और अभी करूँगी मैं गैस को भी साफ। देखो सेम वही तरीका, पानी डाल दूंगी फिर इसको विम से लोहे के जूने से रखूंगी। तो दोस्तों देखो गैस हो चुकी है सब, देखो पूरी की पूरी गैस हो चुकी है साफ, स्लैब भी पूरी हो गई है, दीवार भी पूरी हो गई है। ये मैंने रख दिया है देखो और बस अब एक बार यहाँ से झाड़ू पोछा करके कूड़ा डाल देती हूँ। तो दोस्तों पूरी की पूरी जो है ना सफाई हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और वो भी पतंजलि की खिचड़ी बना रही हूँ, जो वो पुष्टाहार दलिया होता है ना वो वाला दलिया बना रही हूँ मैं। दलिया बना रही हूँ जिसमें देखो बाजरा, रागी, मतलब बोलते हैं पांच तरह के अनाज हैं, मूंग की दाल, चावल, बाजरा, रागी, ये तो मुझे पता है और मुझे पता नहीं, पर इसमें ना खुशबू बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है। तो उसमें मैं डालूंगी आलू, प्याज और दलिया बनाऊंगी, तो जब बन के तैयार हो गए दिखाऊंगी। तो देखो मेरा दलिया देखो कितना टेस्टी लग रहा है, दलिया बन के तैयार हो गया है और ये सलाद काट रखी है और ये हमारी दही, माखन दही दही दही, और ये हो गया हमारा डिनर। तो आज बहुत सारा काम कर लिया है, फिर आखिर में तो दलिया ही बनाना था मुझे और कुछ मेरा बनाने की गुंजाइश भी नहीं थी। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, ऐसे करते हैं आपको वो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि दिवाली की सफाई आप लोगों के घर में कैसे चल रही है और आप लोग भी शाम को क्या बना रहे हो, चावल बना रहे हो, दलिया बना रहे हो। हाँ।